हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज की जो टॉपिक है वो सिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ एंट्रेंस फॉर्म 2022-23 को लेकर है। एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरें, एंट्रेंस फॉर्म की फ़ी क्या है, एंट्रेंस फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें, फ़ी पेमेंट कैसे करें और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ये सब सारी बातें हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कुछ चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, गूगल सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है sibli college.ac.in लिख कर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। फिर आप उसके ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे। एक मिनट, ये ओपन हो जाएगा। अभी इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए तभी ये सर्च बार में ओपन हुआ, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा। दो तीन बार सर्च करिएगा, हो जाए। ऑफिशियल साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखेगा ऑनलाइन एडमिशन 2022-23 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद न्यूज़ अनाउंसमेंट, वेलकम टू सिवली कॉलेज, ये सारी बातें इसके बारे में दी हुई हैं। हमको ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, ये सारी बातें जानकारी देखिए। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन 2022-23 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए थ्री डॉट ऊपर क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पर इसको डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको इस तरह खुलेगा और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शन, एंट्रेंस फीस 600 रुपये हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन कोई भी रहा होगा कि एंट्रेंस फ़ी कितना है। एंट्रेंस फ़ी 600 रुपये है सभी कोर्सेज के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुए हैं कि इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, ये सारी बातें। VA फर्स्ट सेमेस्टर जो 28 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी लास्ट डेट है 27 तारीख 6 महीने तक। इसी तरह सबका है। BCom फर्स्ट सेमेस्टर, BSc बायोलॉजी, BSc मैथमेटिक्स, BBA, BCA, LLB 27 तक है इसका, ठीक है। तो आप डेट से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर नीचे आएंगे, सिलेक्ट कोर्स फॉर एडमिशंस। एडमिशन के आप कोर्स चूज करना, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स का मतलब BA, BSc, BCom, BBA, BCA। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मतलब LLB। तो हम अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर कर बताएंगे, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म भी भरा जाएगा। मैं BA का कोर्स ले रहा हूँ। BA का कोर्स लेने के बाद आपको नीचे लिखा होगा प्रोसेस्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म आपको भरकर रजिस्टर पर क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए आपको यहाँ पर देखिए लिखा फर्स्ट नेम। आपका फर्स्ट नेम क्या होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन तीनों में बहुत लोग कन्फ्यूजन, जिनका नाम दो वर्ड में है, जैसे किसी का भी कुछ भी नाम हो, जैसे किसी का नाम फैज़ अहमद, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नेम में फैज़, लास्ट नेम में अहमद, ठीक है। अगर किसी का तीन वर्ड में नाम है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लिख देगा। फादर नेम, जेंडर आपको चूज कर लेना है। जेंडर यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, महिला, पुरुष, मेल, फीमेल, सब हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, सेलेक्ट योर कैटेगरी। इसके सामने जाएंगे, आपको तीर का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सामान्य, जनरल, OBC, ST, SC, EWS, इसमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर ओपन हो, चलता हो। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जिसका आपको पासवर्ड मालूम हो और ईमेल आईडी ओपन हो, चल रही हो, वही ईमेल आईडी यहाँ पर भी इंटर करना है। इसके बाद आपको फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है।
रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वह ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगी, ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को उस बॉक्स में भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा रजिस्टर्ड, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक और रुके, फॉर्म को भर कर ही दिखा दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इस तरह सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इंटर ओटीपी कोड आपको यहाँ पर फ्लिप कर देना है। फिर इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक, ओटीपी भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड आएगा, योर रजिस्टर्ड नंबर इज़ ये है, और यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आपको इसकी जो है एक मैसेज गया होगा जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और पासवर्ड लिखा होगा, तो आपको प्रोसेस्ड पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद फॉर्म ओपन होगा। आपको देखिए इस तरह करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन चीज़ मिलेंगे। क्या रजिस्ट्रेशन संख्या आपको इंटर करना है, रजिस्ट्रेशन संख्या इंटर करके और पासवर्ड इंटर करके, और यहाँ पर कैप्चर कोड लिखा होगा, कैप्चर कोड भी भर, आईडी पासवर्ड कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पर देखिए लॉगिन लिखा है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोर्स सेलेक्ट BA और रजिस्टर्ड फी 600 रुपये, कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। आपको प्रोसेस्ड टू पेमेंट पर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होता है, क्रेडिट नंबर, एक्सपायरी और ये सब, नेम और कार्ड नंबर सब डालकर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगी। और फॉर्म ओपन होगा तो फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो इसका ख़त्म, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। एंट्रेंस की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर वीडियोज अपलोडेड हैं और भी वीडियो आने वाली हैं, उन वीडियो को देखकर चैनल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।